आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश में किसान ऋण माफी योजना शुरू, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भरवाए किसानों से फॉर्म। प्रयागराज में महाकुंभ प्रारंभ, शाही स्नान से हुआ कुंभ का शंखनाद। त्रेसठ की हुई मायावती, कार्यकर्ताओं से मांगा जीत का नजराना। महिला खिलाड़ी का आरोप, एमपी के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने करवाया टीम से बाहर। और रीवा को अपराध मुक्त बनाएंगे नए एसपी, सबसे पहले तस्करी रोकेंगे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के कुछ घंटे के भीतर ही कमलनाथ ने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। आज खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फसल ऋण माफी योजना का फायदा पहुंचाने के लिए किसानों से कर्ज माफी का आवेदन पत्र भरवाया। इस योजना का नाम जय किसान ऋण माफी योजना रखा गया है। मध्य प्रदेश में 55 लाख किसानों को कमलनाथ की कर्ज माफी इस योजना का लाभ मिलेगा। सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। 22 फरवरी से किसानों के खाते में राशि पहुंचना शुरू हो जाएगी। किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू करने के मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जय किसान ऋण माफी योजना मेरे लिए मील का पत्थर है, हमें देश में सबसे आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है, हमने अपना वचन पूरा किया है। यह एक अभियान योजना है, अर्थव्यवस्था की नींव किसान ही हैं, किसानों को सशक्त बनाना है। इस ऋण माफी योजना से प्रदेश के 55 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इससे किसानों का 50,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफ होगा। जो हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है जय किसान कृषि मुक्त योजना। हमने इसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिया, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया, हमने केवल इसका नाम दिया है जय किसान ऋण मुक्ति योजना। क्यों? क्योंकि ये किसानों के लिए एक तोहफा नहीं है, इसको मैं तोहफा का रूप नहीं देना चाहता। इसमें मैं बताऊंगा कितने किसान जुड़ेंगे, कितना खर्चा लगेगा, पर ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। 55 लाख किसान लाभान्वित हो गए, 50,000 करोड़ रुपए किसानों को बांटा जाएगा। और किसानों ने खुद कहा कि हम लोग किसान आत्महत्या करता था और अब ये सब आत्महत्याएं बंद होगी और किसान की जो फसल आएगी उसका पैसा मिलेगा, इकोनॉमी ठीक होगी, जैसा कमलनाथ जी ने कहा। और उन्होंने अपना नाम भी हटा दिया इस योजना से और उन्होंने कर दिया कि जय किसान ऋण मुक्ति योजना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। किसान ऋण मुक्ति योजना के अंतर्गत जो किसानों को कर्जे माफ किए जा रहे हैं, उनके हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे, कितना कर्ज माफ किया गया और क्या बाकी है? आपका कितना कर्ज माफ किया है बताएं। सर, मेरा 2 लाख रुपए कर्ज माफ हुआ है, उन्होंने 3 लाख रुपए था जिसमें से 2 लाख माफ कर दिया कांग्रेस सरकार ने। तो अभी और कितना बाकी है आपका? अभी मेरे पास 70-75 हजार रुपए के आसपास कर्ज है मेरे ऊपर अभी, तो अब जितना हुआ उतना काफी है हमारे लिए, तो यही बहुत बड़ी बात है। और क्या अपेक्षा रखते हैं आप किसानों के लिए? अपेक्षा ये है कि मेन काम तो देखो बिजली का रहता किसान के पास में, अगर बिजली 10 घंटे मिल रही है उसको बढ़ा दिया जाए, 5 घंटे और बढ़ा दिया जाए, तो किसानों का काम और आसान भी हो रहा है और पैदावार भी बढ़ेगी, किसान इससे बहुत फायदे में जाएगा। मतलब योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जो रसीदें प्राप्त हुई आप लोगों को, कुछ रसीदें प्राप्त हुई? हाँ, हुई है, ये है ना मेरे पास में रसीद। इसमें क्या रसीद में क्या लिखा है आपको? ये कहाँ से मिली? ये प्रमाण पत्र है, मतलब प्रमाण पत्र की रसीद है ये, तो इसके द्वारा हमें मतलब प्रमाण पत्र जारी करके मिलेगा इससे। ये
आप बैंक में जमा करेंगे तो आपको मिलेगा? हाँ, बैंक में जमा करेंगे तो मिल जाएगा, हमारी सोसाइटी भी है जो है। और कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए क्या है उसने लाई, जैसे आपने अभी बताया कि कुछ बजट बढ़ाया है, जो कितने क्विंटल गेहूँ का उसमें सोयाबीन में बोनस वगैरह दिया ना अभी उसने कांग्रेस सरकार में, वैसे भी अब तो कांग्रेस सरकार आने के बाद तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ गया हमारी फसल का। तो किसानों को सहयोग दिया है तो उससे क्या किसान भी सहयोग करेंगे कांग्रेस? बिल्कुल करेंगे, पूरे किसान मिलकर सहयोग करेंगे हम, ताकि आगे लोकसभा चुनाव में भी वो भी कांग्रेस सरकार ही बने। तो हमारे साथ ये किसान भाई जुड़े हुए थे जिनका बोलना है कि किसान ऋण मुक्ति योजना के अंतर्गत उनको रसीद मिली है, जिनका उनको 2 लाख का कर्जा माफ किया जा रहा है, उसके बाद भी उनसे कुछ अपेक्षाएं रखी गई हैं। लोकसभा में भी किसान की ऋण मुक्ति योजना के तहत उनको कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़ भोपाल। सीएम कमलनाथ ने कहा कि इस पर भाजपा भले ही आलोचना करे लेकिन हम अपना वचन पूरा करेंगे, इसके लिए जरूरी बजट प्रावधान किए जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि जय किसान ऋण माफी योजना देश की सबसे बड़ी ऋण माफी योजना है। कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज भी कसते हुए कहा कि बीजेपी बजट चिंता ना करे, कांग्रेस वचन पत्र में दिए गए वादे निभाए जाएंगे। कमलनाथ ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 5 साल बाद हर वर्ग को हिसाब देगी। कमलनाथ सरकार ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार बीजेपी के 5 साल का हिसाब दे, किसानों को हिसाब दे, युवाओं और उद्योग का हिसाब दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की बात करते हुए एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उड़ीसा में कई निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने के बाद मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के बालांगीर में विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे थे, उसके बाद वह पार्टी की तरफ से आयोजित स्वाभिमान समावेश जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही। मोदी ने कहा जो बात सबके समझ में आ जाती है वही बात दिल्ली वालों को नहीं आती, वे सुल्तान की तरह शासन करते रहे हैं, उनकी बेपरवाहियों के परिणाम सबके सामने हैं। आपको जिसकी समझ है आप सब हां में जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो उड़ीसा के दूर दराज के लोगों को समझ है वो दिल्ली में बैठे सल्तनतों की बिरादरियों को पता नहीं है, वे सल्तनत की तरह शासन करते रहे हैं। जो आज भी अपनी सल्तनत को जैसे तैसे झूठ प्रपंच से स्थापित करने में जुटे हुए हैं, उनकी बेपरवाही का परिणाम है कि जो हमारी असली संपदा है, जो हमारे पास सैकड़ों वर्षों से प्रचुर मात्रा में रही है, उसका प्रचार प्रसार तो दूर ध्यान भी ठीक से नहीं रख पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा दौरे के दौरान दूरदर्शन के दिवंगत कैमरामैन अच्युतानंद साहू के परिजनों से मुलाकात की। साहू बस्तर में चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान नक्सली हमले में मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ओडिशा के बालांगीर दौरे पर थे, जहां पीएम मोदी ने दूरदर्शन के दिवंगत कैमरामैन अच्युतानंद साहू के माता पिता से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। अच्युतानंद साहू ओडिशा के बालांगीर जिले के ही रहने वाले थे। उल्लेखनीय है कि अच्युतानंद इसी विधानसभा चुनाव से पहले बस्तर में चुनावी रिपोर्टिंग के दौरान नक्सली हमले में मारे गए थे। मकर संक्रांति के अवसर पर कुंभ का पहला शाही स्नान हुआ। पहले 13 शाही अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया और फिर आम श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। पल पल श्रद्धा की लहरों के बीच देश दुनिया के लोग संगम तट पर इकट्ठा हुए हैं। अमृत बूंदों से प्रयागराज का चप्पा चप्पा सराबोर है, या यूं कहें कि पूरा शहर पावन गंगा के विस्तृत तट की ही शक्ल ले चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर शाही स्नान के साथ ही कुंभ का शंखनाद हो गया है। इस मौके पर साधु सन्यासी पहले शाही स्नान के लिए पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि संगम में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। कड़ाके की सर्दी में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने गंगा में डुबकी लगाई। हर तपस्वी की यही इच्छा होती है कि वो धर्म के सबसे बड़े मेले
में संगम तट पर शाही स्नान का हिस्सा बने। उनके लिए कुंभ ही उनके जीवन का सबसे बड़ा तीर्थ है। ऐसे में सालों बाद जब ये मौका आया तो कड़ाके की ठंड को भी मात देते हुए सन्यासियों ने शाही स्नान किया। पूरे धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते हुए निरंजनी और आनंद अखाड़े के साधु संतों ने संगम तट पर शाही स्नान किया। केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। वह भी इस पावन पर्व पर कुंभ के शंखनाद की साक्षी बनी। कुंभ में इस बार 12 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मेले में करीब 20 लाख विदेशी सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में करोड़ों लोगों की सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखते हुए जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में बसपा सपा गठबंधन को जीत दिलाने का गिफ्ट मांगा। बसपा सुप्रीमो मायावती 63 साल की हो गई हैं। जन्मदिन के मौके पर मायावती ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित किया और कहा कि उनका यह जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में बसपा सपा गठबंधन को जीत दिलाने का गिफ्ट मांगा। साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र की नीतियों के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। मोदी अपनी रैलियों में वादे कर रहे हैं क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा को अहंकारी और वादा खिलाफी करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक समय तक राज करने वाली कांग्रेस एंड कंपनी को भी सबक सिखाने की जरूरत है। इस वर्ष मेरा जन्मदिन ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जब देश में शीघ्र ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। बीएसपी व सपा के भी लोगों से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में अपनी पार्टी एवं देश में आम जनहित में अपने पुराने सभी गिल्ले सिकवे भुला के वे अपने निजी स्वार्थों को भी किनारे करके तथा यह सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए अपने बने इस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को जरूर ऐतिहासिक कामयाबी दिलाए। मायावती ने कहा देश की आजादी के बाद कांग्रेस और भाजपा की सरकार के राज में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। किसान गरीब दलित व अन्य पिछड़े वर्ग का सही से विकास नहीं हुआ जिससे दुखी होकर हमें इनके हितों के लिए पार्टी बनानी पड़ी थी। किसान दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। इसकी एक वजह केंद्र सरकार है। अब आम जनता कांग्रेस के बाद भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है। एक बेसबॉल खिलाड़ी ने मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनकी शिकायत मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। खिलाड़ी का आरोप है खेल मंत्री ने उसका चयन होने के बाद टीम से नाम कटवा दिया। छतरपुर की बेसबॉल खिलाड़ी आकांक्षा यादव का चयन राष्ट्रीय बेसबॉल टूर्नामेंट के लिए हुआ था लेकिन इसके बाद उन्हें भोपाल से खबर मिली कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है। उन्हें खबर लगी कि खेल मंत्री जीतू पटवारी के इशारे पर उनका चयन निरस्त किया गया है। इसके बाद बेसबॉल खिलाड़ी आकांक्षा यादव ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पक्षपात को दूर करने की मांग की। देखिए ये जो मामला सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से एक प्रतिभाशाली लड़की का नाम काट के बेसबॉल की राष्ट्रीय टीम से और एक नई लड़की का नाम जोड़ दिया जा रहा है और जो मामला हमें सूत्रों से पता चला है कि इसमें जीतू पटवारी जी का फोन आया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि माननीय जीतू पटवारी जी, छतरपुर में 70% लगभग विधानसभा सीटें आपको मिली हैं छतरपुर जिले से और अगर आप ऐसा कार्य करेंगे, अगर आप भ्रष्टाचार में ऐसे ही संलिप्त रहेंगे तो आपसे ये सीटें अगली बार 2019 में आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जी आज मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आई थी जो कि एक पॉलिटिशियन मामला हमारे सिलेक्शन में हम लोग को मालूम चला कि मेरा सिलेक्शन कट करके किसी मंत्री के फ़ोन करने पर किसी और लड़की का सिलेक्शन कर दिया गया है तो इसके विरोध में और इस मामले में एक निष्पक्ष जांच के अनुरोध के रूप में मैं ये ज्ञापन श्री हमारे कलेक्टर जी को सौंपने आई थी जिससे मुझे इंसाफ मिल सके और न्याय। आकांक्षा ने इस ज्ञापन में आरोप लगाया है कि उनका पहले इंदौर में चल रही राष्ट्रीय बेसबॉल टूर्नामेंट में चयन होने के बाद मंत्री के इशारे पर नाम काट दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच करवाकर एक खिलाड़ी को न्याय दिलवाया जाए।
पीड़ित महिला खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जाकर यह ज्ञापन दिया। सूर्यदेव के उत्तरायण में आने का पर्व मकर संक्रांति मां नर्मदा की नगरी होशंगाबाद में परंपरागत भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य की पहली किरण के साथ ही मकर संक्रांति पर्व पर मां नर्मदा के पवित्र जल में स्नान के लिए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नर्मदा नगरी होशंगाबाद में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कल सुबह से ही जारी था। मान्यता के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि में मकर और दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। संक्रांति पर्व पर पुण्य नदियों में स्नान दान कर पापों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर्व सामाजिक सरोकारों का पर्व है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है और सभी श्रद्धालु इस दिन अपनी क्षमतानुसार दान धर्म कर पुण्य लाभ कमाते हैं। संक्रांति पर तिल दान का विशेष महत्व होता है। नर्मदा घाटों पर परंपरागत रूप से दरिद्र नारायणों की भीड़ है। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा के पुण्य जल में स्नान कर घाटों पर दान धर्म आदि धार्मिक कार्य किए। हमारी पोस्टिंग पिछले साल यहाँ हुई थी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने अपने परिवार सहित दर्शन किया और मां नर्मदा के पावन तट पर सब लोगों ने बहुत ही आनंद लिया और ये नगर बहुत ही सुंदर और सरल है और पवित्र मां नर्मदा का यहाँ प्रवाहन हो रहा है। हम सभी भाग्यशाली हैं। हमारे जो हिंदू त्यौहार है मकर संक्रांति का, ये बहुत ही पावन पर्व होता है और इसमें मां नर्मदा जी के लिए बाहर से भी श्रद्धालु स्नान के लिए आए हैं। मकर संक्रांति पे जो भी पुण्य दान करते हैं इसका अक्षय फल होता है और दो दिन होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम पड़ गई, नहीं तो यहाँ इतनी भीड़ पड़ती कि आदमों को पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। कुंभ मेला में आदमी जाता है, आदमी नहीं जा पाता तो यहाँ मकर संक्रांति पे आप यहीं नहा लीजिए। ज्योतिषों के मुताबिक मकर संक्रांति पर्व काल आज देर रात से शुरू हो गया। मान्यता है कि वर्ष भर में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन मकर संक्रांति इनमें विशेष महत्व रखती है। सूर्य देव के उत्तरायण में आने के उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है और इस दिन से विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वहीं पंडितों के मुताबिक इस बार संक्रांति दो दिन मनाई जा रही है। देखिए संक्रांति जो है, वैसे तो 12 संक्रांति होती है। सूर्य का जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है वो, तो उसको संक्रांति बोलते हैं। परंतु इस संक्रांति का एक विशेष महत्व है, ये दक्षिणायन और उत्तरायण का महत्व है। भीष्म पिता में सिर्फ उत्तरायण के लिए अपनी मृत्यु को रोके हुए थे, जबकि इतना कष्ट वह सह रहे थे। इस समय तीर्थों में स्नान करना, तिल का दान करना और हर वस्त्र का, खास करके ऊनी वस्त्रों का दान करने का बड़ा विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में नर्मदा नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से 114 होमगार्ड जवानों को अलग अलग घाटों पर तैनात किया गया है। नगर निगम की सहायता से साफ सफाई, तैराकों, 5 नावों सहित लाइफ जैकेट की व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालु ज्यादा गहरे पानी में न जाएं, इसके लिए बोट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। मकर संक्रांति को दृष्टि के देखते हुए कल 14 तारीख को दोपहर 12 बजे से आज रात्रि 15 तारीख को 12 बजे तक पुलिस और होमगार्ड्स के कम्बाइंड पूरे इंतजाम लगाए गए हैं। इसमें हमने ये व्यवस्था की है कि जो सिटी के पूरे 6 प्रमुख घाट हैं वहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारी, गोताखोर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सभी उपलब्ध रहे। इसके अलावा नगर पालिका से पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया है और इसके अलावा हम लोगों ने भी बोट पेट्रोलिंग भी सुनिश्चित कराई है, जिससे जो लिमिट्स रहती हैं जिसके आगे लोग नहाने के लिए ना जाए सुरक्षा की दृष्टि से, बोट पेट्रोलिंग के माध्यम से वो भी यहाँ पे घाटों को सुनिश्चित कराया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर भोपाल के महावीर गिरी पर पतंग उत्सव का लोगों ने जमकर मजा लिया। पतंगबाजी के बाद विजेताओं को इनामों से नवाजा गया। भारतीय सिंधु सभा ने बड़ी धूमधाम से मकर संक्रांति पतंग उत्सव मनाया। महावीर गिरी पर पतंग उत्सव में मुख्य अतिथि भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय महामंत्री भगवान दास सबनानी और भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल दरियानी थे। पतंग उत्सव में मनुआ भान टेकरी पर पतंग, मांझा और नाचने गाने के लिए ऑर्केस्ट्रा एवं डीजे की भी व्यवस्था की गई। उत्सव में पेंच लड़ाओ, ढील दे दे रे जैसे गेम भी हुए। समाज के लोग आए हुए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं बहुत पतंग प्रतियोगिता, और यहाँ पे हम लोगों ने अनेक फोटोज क्लिक करवाए हैं। बहुत ही अच्छा स्पॉट है घूमने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। हमारे समाज वालों द्वारा ये आयोजित किया गया है।
काफ़ी अच्छा लगता है हमें यहाँ हर साल आकर, और बहुत ही अच्छे तरीके का वातावरण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सारे समाज के लोग होते हैं, सारे सिंधी लोग होते हैं, हम सब मिलकर काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज सब लेकर आते हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बना के लेकर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। ओवरऑल हमारा बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। भोपाल के सिंधी समाज में खास तौर से भारतीय सिंधु सभा की युवा शाखा ने यह मकर संक्रांति का पर्व एक पिकनिक के रूप में, पतंग उत्सव जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था, हमारी संस्कृति की एक पहचान थी, उसको कायम करते हुए पिछले 4 वर्ष से आयोजन किया। आज बड़ी संख्या में सिंधी समाज के भोपाल के हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए, यहाँ उन्होंने पतंग उत्सव मनाया, एक दूसरे को बधाइयां दी। सिंधु सभा की महिला शाखा द्वारा मकर संक्रांति पर्व पर तिल के लड्डुओं का इंतजाम किया गया और तिल एवं गुड़ के लड्डू खिलाकर सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। बाद में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगी परीक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए कौटिल्य एकेडमी ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कौटिल्य एकेडमी के तत्वाधान में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल के कौटिल्य एकेडमी में किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता लाना रहा। प्रतियोगिता में लगभग 450 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को इनाम भी दिया गया। इसके साथ ही कौटिल्य एकेडमी में प्रवेश पर विशेष छूट दी जाने की बात भी कही गई। कौटिल्य एकेडमी के संचालक राहुल रंगारे ने बताया कि कौटिल्य एकेडमी के छात्रों ने प्रदेश में नाम किया है। कौटिल्य एकेडमी के छात्रों ने देश और प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सफलता प्राप्त की है। प्रतियोगिता कक्षा 11 और कक्षा 12 में पढ़ रहे छात्रों के लिए रखी गई थी। एमईएस कामगार यूनियन के प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन में यूनियन के चुनाव हुए, जहां भैया लाल को अध्यक्ष और त्रिभुवन सिंह को महामंत्री चुना गया। संत नगर में एमईएस कामगार यूनियन मध्य प्रदेश, भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई का 22वां प्रांतीय वार्षिक अधिवेशन हुआ। यह एमईएस कामगार यूनियन के सदस्यों के हित के लिए कई सुझाव दिए गए। अधिवेशन में मुख्य रूप से जबलपुर, भोपाल, सागर, मऊ, पचमढ़ी, इटारसी ब्रांच के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान हुए चुनाव में अध्यक्ष भैयालाल गालर, महामंत्री त्रिभुवन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रामकुमार पटेल चुने गए। यहां सभी को यूनियन हित के लिए काम करने की शपथ दिलाई गई। हमने हमारा जो यूनियन है, हमारी जो संगठन है, मध्य प्रदेश में पूरा मध्य प्रदेश एमएस संस्थान में काम करता है, जो कि एक डिफेंस की यूनियन है, और भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से संलग्न है। अभी हमने 22वां हमारी यूनियन ने 22 साल पूरे किए, 22वां वार्षिक अधिवेशन हम भोपाल में कर रहे हैं, जिसमें ग्वालियर, महू, इटारसी, पचमढ़ी, सागर, जबलपुर, इनके जो हमारे पदाधिकारी डेलीगेट्स, इनके डेलीगेट्स हमारे आए हुए हैं और हमें साथ में मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेंद्र तिवारी, महेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे बीच में हैं। रीवा जिले के नए एसपी आबिद खान ने जिले को अपराध मुक्त बनाने का दावा करते हुए कहा, रीवा जिले से अपराध का ग्राफ खत्म किया जाएगा। नए पुलिस अधीक्षक आबिद खान पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से रूबरू हुए और रीवा को अपराध मुक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि रीवा जिले से अपराध का ग्राफ खत्म होगा। जो अवैध हथियार और नशीली दवाइयां यूपी से एमपी में आती हैं, उनकी रोकथाम के लिए यूपी प्रशासन से बात करके आपसी सहयोग से तस्करी पर लगाम लगाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में हो रही चोरी, डकैती, लूट जैसी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अपराध नियंत्रण करने में जनता से सहयोग करने की बात भी कही है। देखिए, अपराध बेसिकली जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली जिसमें आपका जिला बदर की कार्रवाइयां हैं, कार्रवाइयां हैं, जो आपके आर्म्स एक्ट, शराबबंदी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं, उन पे अगर सख्त कार्रवाई की जाए तो बहुत सारे जो अपराध हैं, जो प्रॉपर अपराध हैं, उनको कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो बहुत प्रयास हम लोग का ऐसे रहेगा कि जो इस तरह के सोशल इविल्स, इनको बोला जाता है, और इसीलिए सोशल लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, सामाजिक लेजिस्लेशन बोला जाता है इन लोगों, इन सारे एक्ट्स, उन पे अच्छी कार्रवाई हम लोग करें, जिससे कि एक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो। जाहिर है कि उससे अपराधों में कमी आती है और आएगी।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।